हेलो गाइस, क्या हालचाल है। इस वक्त हम लोग हैं संगम तट पर और मेरे पीछे आप देखेंगे कि आस्था और संगम का जो उल्लास है वो साफ नजर आ रहा होगा आपको। चारों तरफ जहां तक आपकी नजर जाएगी सिर्फ भीड़ होगी, स्नानार्थी होंगे और उनकी आस्था से भरा यह संगम होगा। हम इस वक्त हैं संगम तट पर, प्रयागराज का सबसे खूबसूरत स्थान, और जहां आज इस खूबसूरत दिन में जब बारिशें हो रही हैं, हल्की हल्की बूंदाबांदी चल रही है, ऐसे में हम सब भी इंजॉय करने के लिए आए हैं। मेरे साथ मौजूद है मृत्युंजय भाई, हमारे सीनियर रिपोर्टर हैं दैनिक जागरण के, अनुराग है वो गया है स्नान करने के लिए, वो हाथ ला रहा है और हम लोग आज जबरदस्त मस्ती करने वाले हैं। अभी आपको थोड़ा व्यू दिखाता हूँ कि किस तरीके से संगम घाट की स्थिति है। चलिए दिखाते हैं आपको थोड़ा सा व्यू। निश्चित तौर पर आपको खूब मज़ा आ रहा होगा क्योंकि ये यहाँ ये प्रतिदिन की भीड़ होती है। पूरे देश के कोने कोने से, या कहें कि विदेश से भी लोगों का यहाँ आने का क्रम जारी रहता है। साल का हर एक दिन 365 दिन किसी भी दिन आप यहाँ पर आएंगे तो आपको इसी तरीके आप भीड़ देखने मिलेगी। यह वही स्थल है जहाँ महाकुंभ लगता है, कुंभ लगता है, करोड़ों लोग आते हैं यहाँ पर दर्शन करने के लिए। आज हालांकि कोई विशेष महोत्सव नहीं है, केवल मौसम बहुत ही खूबसूरत था। हम लोगों की सारी ऑफिस आज बंद है, NCR बंद है, तो एक तरीके से हम लोगों के पास काम कम था। सेंट्रल यूनिवर्सिटी भी बंद है आज, तो हम लोग निकले हैं संगम तट का नज़ारा देखने के लिए और यहाँ गाइस देख के वाकई में मज़ा आ जा रहा है। ये खूबसूरत छतिन है ना, आज हल्की बारिश के बीच में मैं और मृत्युंजय भाई एकदम मज़ा आ गया। ये मेरे सबसे अच्छे दोस्त हैं जागरण यूनिट में, हम लोग अब साथ ही रहते हैं, साथ घूमते हैं और आइए थोड़ा सा व्यू।